नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में बिहार विधानसभा परिषद सचिवालय की तरफ से एक और वैकेंसी आ गई है। चूंकि मैं एक वैकेंसी की नहीं बात करूंगा, यहां पे दो एडवर्टाइजमेंट नंबर जारी किए गए हैं। एक है 07/2019 और एक है 08/2019। इन दोनों ही एडवर्टाइजमेंट को अलग अलग वीडियो में बना के लेकर आऊंगा मैं आपके लिए। तो पहला है यहाँ पे 07/2019 का। इस एडवर्टाइजमेंट में क्या आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एज क्राइटेरिया क्या होगा, कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी होगी, इन सब के बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ इस फॉर्म को आवेदन करने का अंतिम तिथि दोस्तों 11 अक्टूबर है और इसका जो फॉर्म भरने का शुरुआत है वो 20 सितंबर है। इसलिए फॉर्म भरना 20 सितंबर से शुरू कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा और पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं तब जाके इसका आवेदन जरूर कीजिएगा। दोस्तों लेकर चलते हैं पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब के रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच सके। दोस्तों अगर आप बिहार के किसी भी नौकरी के लिए आवेदन करना है या फिर जानना चाहते हैं, उसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर वो अपडेट आपको लेकर आते हैं अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि बिहार एसटीईटी, जी हाँ दोस्तों, बिहार एसटीईटी का भी जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है उनके लिए खुशखबरी है। 25 सितंबर कर दिया गया है डेट इसका बढ़ा के। ऑफिशियली आपको जल्दी इसके वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा डेट भी, ठीक है। और जो कैंडिडेट यहाँ पे बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि प्लीज YT एजुकेशन चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन आएगा उसे भी दबा लें ताकि यहाँ से भी जो भी वीडियो आपको बिहार दरोगा के रिगार्डिंग हम लोग दे रहे हैं, चाहे वो क्यूज़ हो चाहे वो एस्टेटिक जीके हो, उन सभी को आप तक हम पहुँचा सके अपने चैनल के माध्यम से। और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और YT एजुकेशन को जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका PDF हम लोग शेयर कर रहे हैं इसके टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, वहां पे YT एजुकेशन और एजुकेशन की 86 दोनों के ही ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर वो लिंक आपको प्रोवाइड किया जा सके जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हो। ओके चलिए दोस्तों हम लेकर चलते हैं आपको अब इसकी ऑफिशियल न्यूज़ पे, जो कि आज के यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे निकाली गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग बिहार विधानसभा परिषद के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और ये आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। एक है आपका 07/2019 और दूसरा है आपका 08/2019। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे देखेंगे 07/2019, जो कि 20 सितंबर से इसका प्रारंभिक तिथि है और अंतिम तिथि है इस फॉर्म को भरने का 11 अक्टूबर। तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं, देखते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों अगले वीडियोज़ में कुछ एडवर्टाइजमेंट संख्या 8 के बारे में। चलिए दोस्तों मैंने इसको यहाँ डाउनलोड कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत संदेहवादक मैसेंजर संवर्ग में यहाँ पे कार्यकारी परिचारी, कार्यालय परिचारी और कर्म पत्र वितरक, यहाँ इसके फॉर्म यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है इन दो पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और ये वैकेंसी आप देख सकते हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि यहाँ पे बताया गया है। आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, 20 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक इसका फॉर्म और फीस भरने का लास्ट डेट है। दोस्तों यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं जिसमें बताया गया है कि ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे कि हर वो सूचना आपको पहले वेबसाइट पे प्रकाशित की जाएगी तभी वो मान्य होगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ करने से पूर्व वेबसाइट पे जो विज्ञापन दिया गया है उस विज्ञापन को भलीभांति अध्ययन करेंगे और तब जाके फॉर्म को भरेंगे, ऐसा आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ। उपरोक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा कार्यक्रम जो है के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जाएगा। तो जो भी पोस्ट का वैकेंसी निकाला गया है इसका जो नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम डेट का वो आपको यहीं पे बताया जाएगा इसी वेबसाइट पे। उपर्युक्त विज्ञापन की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे तो 20 सितंबर से लेकर आप 11 अक्टूबर तक इसके फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है जो कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक इसके बारे में हर वो टेक्निकल अपडेट से आपको अवगत कराएगी अगर कोई प्रॉब्लम होता है फॉर्म भरने में। तो आपको एक ईमेल आईडी भी दिया गया है जिसपे जाके आप ईमेल कर सकते हैं जो भी आपका प्रॉब्लम होता है। अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करेंगे, आप 11 अक्टूबर से पहले ही यहाँ पे फॉर्म भर लेंगे। 11 अक्टूबर को फॉर्म भरने जाइएगा, सर्वर डाउन रहेगा और आपका फॉर्म नहीं भरा जा सकता है फिर उसके बाद। दोस्तों यहाँ पे ये डेट दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स है यहाँ पे, इस डेट को देख लीजिएगा। यहाँ पे वही सारी डेट जो है मैं बता रहा हूँ आपको, 20 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों कार्यालय परिचारी और कर्म पत्र वितरक
के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम में संबंध में सूचना का प्रकाशन बिहार विधान परिषद के वेबसाइट पर किया जा रहा है। विज्ञापित पदों की संख्या जो है दोस्तों आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। आप देख सकते हैं दोनों ही पदों के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं। देखिए लेवल वन के वेतन स्तर पे यहाँ पे आपका जो वैकेंसी निकाला गया है जिसमें कि आपका जो सैलरी होगा कम से कम 18,000 से लेकर 56,900 के बीच हो सकता है। ध्यान रखिएगा कार्यालय परिचारी का जो पोस्ट है 96 है और कर्म पत्र वितरक का 7 पोस्ट निकाला गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 103 टोटल पोस्ट हैं इस एडवर्टाइजमेंट में, एडवर्टाइजमेंट संख्या 7 में। और अब दोस्तों आप लोग कमेंट करके ये बोलेंगे कि सर 100 पोस्ट में क्या होगा बिहार के लड़कों का, तो आपके लिए सिर्फ एक सीट आपका मायने रखता है, उसके लिए आप फाइट कीजिए, जरूर क्वालिफाई कीजिएगा, कोशिश कीजिए, हिम्मत रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट बताया गया है दोस्तों, कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं, इस चीज़ को देख लीजिएगा, देन आप ही उस तभी अप्लाई कीजिएगा। जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें सीट देख लीजिएगा, अगर सीट है तभी अप्लाई कीजिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें कर्म पत्रक वितरक की, तो उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कोई सीट नहीं रखी गई, यहाँ पे 0 सीट है। वहीं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी यहाँ पे कोई सीट नहीं है। वहीं फिर स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी इस पोस्ट के लिए कोई सीट नहीं है। ठीक है, तो अपना पहले कैटेगरी देख लीजिएगा, उसके बाद ही इसके लिए आवेदन आप कीजिएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो सैलरी की बात की गई है दोस्तों, उससे पहले हम थोड़ा सेक्शन योग्यता की बात कर लें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आपको अंतिम तिथि का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि तकनीकी प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। आप आवेदन भरने के समय आवेदन का जो कॉलम है सेक्शन तकनीकी योग्यता का, उसको अच्छे से भर लें, देख कर कि क्या क्या आपका योग्यता यहाँ पर मांगा गया है। देखिए मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो मैट्रिक के, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बस है कि गवर्नमेंट से अप्रूवल होना चाहिए उसका, उस स्कूल का या यूनिवर्सिटी का। हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए आपको, ठीक है, यानी लिखना और पढ़ना दोनों ही आना चाहिए। साइकिल चलाने की क्षमता यानी कि साइकिल चलाना आना चाहिए, ये कार्यालय परिचारी का एक ड्यूटी है। यहाँ पे आपको सैलरी 18,000 से स्टार्टिंग हो सकती है और 56,900 तक की सैलरी बन सकती है। क्रम पत्र वितरक जो है दोस्तों, इसके लिए भी सैलरी इतनी ही है। यहाँ पे मैट्रिक या उसके पास के समकक्ष यहाँ पे आपको डिग्री मांगा जा रहा है, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उनको कार्य करना आना चाहिए और साइकिल चलाना यहाँ आना चाहिए। तो दोनों का जो शैक्षण योग्यता है दोनों पोस्ट के लिए वो सेम है। यहाँ पे आरक्षण की बात कर ले दोस्तों, तो जो भी आरक्षण कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो अपना यहाँ पे दावा कर सकते हैं। और ऑनलाइन पत्र जब इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, उनको जनरल कैटेगरी में एज ए ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म को आपको भरने के लिए आपको स्थायी निवासी होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि बिहार के लिए फॉर्म निकला दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता जो है स्थायी निवासी का होना चाहिए, तभी जाके आपको आरक्षण का यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है। यानी कि जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उनको बिहार का होना अनिवार्य है। आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका स्थायी निवासी जो है बिहार राज्य है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा उनको। ऑनलाइन आवेदन पत्र इंगित कॉलम आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। और कैटेगरी देखिए, यहाँ पे सारे कैटेगरी के बारे में बताया गया दोस्तों, इस कॉलम में अपना भर दीजिएगा जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र 673 8 मार्च 2011 के आलोक में इसकी वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे डेट दिया गया है, इस डेट के पहले आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। पर उससे पहले आपके पास जाति प्रमाण पत्र, स्थायी मूल निवासी प्रमाण पत्र जो कि डोमेसाइल कहलाता है, वो होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र स्थायी मूल निवासी यानी कि डोमेसाइल होना चाहिए। और क्रीमी लेयर में अगर आप हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे विवाहित हैं चाहे अविवाहित हैं, उनका भी होना चाहिए। तो ये रोस्टर हैं कुछ दोस्तों आपके आरक्षण को लेकर, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा जिस भी कैटेगरी से आप लोग यहाँ पे बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 40% यहाँ पे छूट मिल रही है दोस्तों उन कैंडिडेट को जो कि यहाँ पे मेडिकली फिट नहीं है, दिव्यांग कोटे में है। ठीक है, उनके लिए आगे भी बहुत सारे यहाँ पे हैं, पर मैं हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बातें वही यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कोटिवार बातें तो देख लेंगे आप लोग अपना अपना कैटेगरी में जाके। उम्र सीमा जो है, यहाँ पे उम्र सीमा की बात करें तो दोस्तों निम्नतम जो उम्र सीमा है 18 साल है और मैक्सिमम है 37 वर्ष। ठीक है, बाकी जो कैटेगरी में कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का OBC के लिए और SC ST के लिए 5 साल का, और जो दिव्यांग कोटे में उनको 10 साल का
यहाँ पे छूट मिल सकता है। तो ये यहाँ पे सारी बातें बताई गई हैं, एज का आपको पता चल गया। अब परीक्षा की पद्धति कैसी होनी चाहिए, ये देखिए, इन पदों के लिए सीधी भर्ती का रीति जो है अलग अलग साक्षात्कार के माध्यम से होगा। तो कोई रिटेन टेस्ट नहीं है यहाँ पे, सीधे इंटरव्यू है, ठीक है, सीधा इंटरव्यू है, सीधा भर्ती है। परीक्षा शुल्क की बात कर लें, फीस की, तो दोस्तों यहाँ पे 200 रुपये चार्ज लिए जा रहे हैं जनरल और ओबीसी से। और जो कैटेगरी में है, जैसे कि महिलाएं कैटेगरी में हैं और जो कैंडिडेट अनुसूचित जनजाति में हैं, एससी एसटी में हैं, उन कैंडिडेट को यहाँ पे 50 रुपये फीस लिया जा रहा है। तो आप इसका फॉर्म जो है फिल करते समय आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड से, अपने क्रेडिट कार्ड से, या फिर अपने फोन पे वगैरह या जो भी भीम एप्लीकेशन है उन सब से, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे इसका लाभ मिलेगा और वो यहाँ पे इसका फीस जो है फ्री में आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में कुछ निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको देख लीजिए दोस्तों एक बार। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी होना चाहिए, जिससे कि आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन होगा तो मैं इस फॉर्म को भी भर के बता दूंगा, वैसे आप देख लीजिएगा, है ना। और आपका जो पेमेंट का ट्रांजेक्शन अगर फेलियर होता है तो एक बार आप उसके उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, पर आप ध्यान से ही, नेट अच्छा हो तभी पेमेंट करने की कोशिश करें, अन्यथा आपका छूट सकता है। जो फॉर्म भर लेंगे, हस्ताक्षर फोटो वगैरह अपलोड कर देंगे, तो उसका एक प्रिंट आउट निकाल के जरूर अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। और महत्वपूर्ण सूचनाएं कुछ इस तरह से हैं दोस्तों, इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। डाउनलोड करना है अपने फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म का, और इसी वेबसाइट पे सारा डिटेल आपको मिलता रहेगा, जो भी समाचार पत्रों के माध्यम से दिया जाएगा वहाँ यहाँ भी पब्लिश किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात कही गई है कि इस फॉर्म को भरने का जो डेट है वो 20 सितंबर है, तो 20 सितंबर को मैं यहाँ पे फॉर्म आपको भर के इसका बता दूंगा। तो आशा करते हैं कि सारी जानकारी से आप अवगत हो गए हैं, इस बार नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद वाला जो वीडियो है, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए उस वीडियो को मैं अगले वीडियो में डाल रहा हूँ, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, वो कौन कौन से पदों की वैकेंसी आई है या उसका नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हमारे साथ बने रहें इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।